हेलो गाइस, दिस इज़ रितु एंड वेलकम टू टीचिंग एंड लर्निंग। तो गाइस, आज की इस वीडियो में हम सबसे पहले रिजल्ट के बारे में बात करेंगे और उसके बाद हम CCS यूनिवर्सिटी की लेटेस्ट अपडेट के बारे में बात करेंगे। तो आप सभी इस वीडियो को फुल और लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है और इन्फॉर्मेटिव है, और वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना जिन्होंने अभी तक नहीं किया है, साथ ही बेल आइकन को भी हिट कर लेना जिससे कि हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलता रहे। तो चलेगा फिर आज की वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो चले गए, सबसे पहले हम आज के रिजल्ट के बारे में बात कर लेते हैं कि आज किन किन कोर्सेज का रिजल्ट जारी किया गया है। तो देखिए, बीए फर्स्ट ईयर प्राइवेट का रिजल्ट आज जारी हो चुका है, और इसके अलावा एमए डिफेंस स्टडीज के थर्ड सेमेस्टर का रिजल्ट जारी हो गया है, एमए मैथ के फर्स्ट सेमेस्टर का रिजल्ट जारी हो गया है, बीए फर्स्ट और सेकेंड ईयर प्राइवेट का रिजल्ट जारी हो चुका है, बीएससी नर्सिंग फोर्थ ईयर का रिजल्ट जारी हो चुका है, बीवॉक यौगिक साइंस सिक्स सेमेस्टर का रिजल्ट जारी हो चुका है, एमए इंग्लिश फोर्थ सेमेस्टर का रिजल्ट जारी हो चुका है, एमए भूगोल फोर्थ सेमेस्टर का रिजल्ट जारी हो चुका है, बीबीए सिक्स सेमेस्टर का रिजल्ट जारी हो चुका है, बीएससी एग्रीकल्चर एट सेमेस्टर का रिजल्ट जारी हो चुका है, एमएड एमएस आयुर्वेदिक द्वितीय सेमेस्टर का रिजल्ट जारी हो चुका है। तो गाइज, ये सारे रिजल्ट आज जारी हो चुके हैं। प्राइवेट वाले स्टूडेंट बहुत ज़्यादा परेशान थे अपने रिजल्ट को लेकर, तो बीए फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर दोनों का ही यहाँ पर रिजल्ट जारी हो चुका है। तो चलिए गाइज, अब हम अदर लेटेस्ट अपडेट के बारे में बात कर लेते हैं। गाइस, पीजी की सेकंड मेरिट लिस्ट जारी हो चुकी है, और सेकंड मेरिट लिस्ट के आधार पर प्रवेश लेने की जो अंतिम तिथि है वो 29 अक्टूबर है। तो जिन भी स्टूडेंट का नाम सेकंड मेरिट लिस्ट में आया है वो 29 अक्टूबर तक अपना एडमिशन जरूर अपने अलॉटेड कॉलेज में ले लें, क्योंकि मुझे नहीं लगता यहाँ पर अब आप लोगों की लास्ट डेट एक्सटेंड की जाएगी। देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है कि चौधरी चरण सिंह वीवी कैंपस और समृद्ध कॉलेजों में ट्रेडिशनल प्रोफेशनल पीजी फर्स्ट ईयर में प्रवेश को मेरिट लिस्ट जो दूसरी वाली है वो जारी हो चुकी है। इस मेरिट लिस्ट के आधार पर 29 अक्टूबर तक प्रवेश होंगे, और वीवी ने छात्रों को अपनी लॉगिन आईडी से ऑफर लेटर डाउनलोड करते हुए चयनित विभाग एवं कॉलेज में संपर्क करने को कहा है। आप लोगों को एडमिशन के लिए अपनी लॉगिन आईडी से एक ऑफर लेटर डाउनलोड करना है, और उसके बाद आप उसके आधार पर अपने अलॉटेड कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। 29 अक्टूबर तक सभी कॉलेजों को प्रवेश कंफर्म कराने होंगे। तो गाइस, 29 अक्टूबर के बाद आप लोगों की फिर ओपन मेरिट लिस्ट आएगी। तो जो भी छात्र इन दोनों मेरिट लिस्ट में रह गए हैं, जिनका नाम इन दोनों मेरिट लिस्ट में नहीं आया है, वो फिर ओपन मेरिट लिस्ट के माध्यम से अपना एडमिशन पीजी में करा सकते हैं। तो गाइस, आज की यही अपडेट थी CCS यूनिवर्सिटी की तरफ से। अब आज की इस वीडियो को हम यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ। सो तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।